Hey, what is up everyone? I hope you guys are doing well. So guys, today I'm here with another new video. Guys, आज की वीडियो में हम आ चुके हैं विनीत भाई के पास, जहाँ पे हम देखने वाले हैं आज कुछ डॉग्स की वैरायटी। भाई अभी बहुत ज्यादा शोर मच रहा है, कुत्तों की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। सो अभी विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले हमारे पास ये वैरायटी आ चुकी है, देख लो भाई, टिबेटियन मैस्टिफ की। और यहाँ पे इसके अंदर कुछ मेल है, कुछ फीमेल है, जिनमें से अभी हम भैया बाहर निकालेंगे और उनमें से फिर मैं आपको दिखाऊंगा इनका क्या मतलब वेट वेट कैसा रहता है, क्या प्राइसेस है इनके, जो भी है सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। बाकी इस रूम के अंदर बंदे भाई, बड़े वाले कुत्ते बंदे हैं इसके अंदर, इस वाले रूम के अंदर वो है बड़े बड़े, ठीक है। तो भाई ये देख लो कितने ज्यादा फ्रेंडली कुत्ते हमारे पास ये होने वाले हैं, कैन कोर्सो, इटालियन मस्टिफ इनको बोलते हैं, कैन कोर्सो इटालियन मस्टिफ है ना भैया। ये देख लो भाई कितने ज्यादा फ्रेंडली कुत्ते हैं। मैंने अभी तक जो सुना था इनके बारे में कि भाई डेंजरस होते हैं, पर भैया बता रहे हैं कि काफी फ्रेंडली कुत्ते हैं भाई, और एक बुलाने पे ही आ जा रहे हैं, देख लो आवाज भाई साहब, बचपन से इनकी दबंग वाली होती है। ये देख लो भाई इनके अंदर ये दो कोट अवेलेबल होते हैं भैया, कितने प्यारे कुत्ते हैं। इसको ब्रिंडल कलर, ब्रिंडल कलर, हाँ ब्रिंडल, ठीक है। और ये तो ब्लैक, ये ब्लैक नॉर्मल। ओके, और भैया इनकी जो एज रहेगी वो कितनी है इस टाइम पे? अभी ये होंगे अराउंड 67 के हो गए हैं भाई, वो देख लो कितने बड़े बड़े लगते हैं। बड़ा होने के बाद कितना शांत बैठा हुआ है, इसके बॉल कितने सॉफ्ट है, नहीं बाल ही बाल है। बॉडी तो पतली है, तो बड़े हो गए हाथी बन जाते हैं। तो भाई ये देख लो हमारे पास आ चुके हैं टिबेटियन मैस्टिफ की छोटी छोटी सी, ये टिबेटियन मैस्टिफ ब्रीड है राइट ना, छोटे बच्चे हैं ये। इनकी क्या एज रहेगी भैया? ये आज पूरे 2 महीने के हो गए, पूरे 2 महीने के। ये देख लो भाई बचपन में कितने क्यूट से होते हैं ये, और बाल ही बाल हैं, पूरी बॉडी इनकी बाल से भरी हुई है। अच्छा भैया, वैसे मैंने देखा है कि बड़े हो जाते हैं जब ये, तो इनके आगे आगे ज्यादा बाल हो जाते हैं। हाँ, उसे लॉयन हेड बोलते हैं। उसमें क्या होता है बेसिकली, यहाँ गुद्दी पे बाल ज्यादा होते हैं, नेक पोर्शन पे। वो हमें कटवाने पड़ते हैं और ऐसे ही होते हैं इनके? वो ऐसे ही होते हैं। अच्छा। वो नेचुरली होते हैं कि बॉडी के कंपैरिजनली वो ज्यादा होते हैं नेक पे। हाँ, नेक पे ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये देख लो भाई, ये मेल है, ये देखो भाई ये मेल रहेगा, और भैया ये भी मेल है, ये भी मेल है, मेरे से बड़ा लग रहा हूँ। ये फीमेल है, ये और ये फीमेल है भाई। एक तो अभी मैंने इनको उठा के देखा, इतने ज्यादा भारी है ये कुत्ते बचपन से ही, और अभी 2 महीने के ही है बस ये। अब वो भी आज हुए हैं, वो भी आज ही हुए। ये भी फीमेल है। तो भाई ये हमारे सामने आ गई है टिबेटियन मस्टिफ फीमेल, ठीक है। जो मैंने पपीज दिखाए थे वो इसी के थे, और ये थोड़ी सी डेंजर है भाई, खतरनाक है, इसलिए इसके पास हम जा नहीं रहे हैं। ऊपर से इसकी वीडियो बनाई है हमने, ठीक है। तो अभी ये देखो जो मैं क्लिप दिखा रहा हूँ, ये है मेल, पिक्चर्स दिखाता हूँ मेल की। ये है भाई मेल, जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी जीत चुका है भाई। और भाई ये देख लो ऊपर, ये बहुत ज़्यादा थोड़ी खतरनाक है, इसलिए हम इससे नहीं मिलने वाले हैं। इसका नाम बिस्की, ये टिबेटियन मस्टिफ की मम्मी है ये, जो भी हमने आपको पपीज दिखाए हैं उनकी। और भैया ये वाला कौन सा ब्रीड है? ये भी इटालियन मैस्टिफ है, कैनेकोर्सो, इटालियन मैस्टिफ कैनेकोर्सो। देख लो भाई ये 2 महीने का, सवा 2 महीने, नहीं नहीं ये है भाई अराउंड 7.5 महीने का, 7.5 महीने का ये। देख लो भाई, ये देख लो भाई इटालियन मस्टिफ, गलत, ये 7.5 महीने का जो मैं दिखा रहा था आपको भाई, देख लो कैसा खतरनाक दिखता है ये बड़ा होके।
ले ट्रिस्टन कम कम ट्रिस्टन ट्रिस्टन नाम है ना भैया इसका कम सिट ए ए सिट गुड बॉय गुड बॉय कम ए भैया बोल रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव डॉग है भैया के पास ये देख लो भाई ट्रिस्टन कम गुड बॉय गुड बॉय सिट ए सिट दैट मस्ती में तीन तो गाइस अभी हमारे साथ आ चुके हैं विनीत भैया और भैया ने देख लिया आपने सारे के सारे डॉग्स हमको दिखा दिए जितने भी थे हमारे पास और बाकी कुछ वैरायटी है जो कि मैं थोड़ा सा गलत टाइम पे आया था नेक्स्ट पार्ट हम जरूर शूट करेंगे एक और जिसके अंदर भैया और थोड़ी वैरायटीज दिखाएंगे हम ठीक है और डॉग्स बड़े होने के बाद कैसे दिखते हैं वो भी कुछ दिखाएंगे तो भैया नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाला सेटअप हाँ जी और मेरा जो दूसरा फार्म हाउस वाला सेटअप है ठीक है दोनों दिखाएंगे क्योंकि मेरे सेटअप में क्या है डॉग्स वो चेंज होते रहते हैं जैसे जो फीमेल बच्चे देती है वो इधर आ जाती है और फिर उधर चले जाते हैं क्योंकि वहाँ है बहुत बड़ा पूल डॉग्स के लिए मेरे पास बड़ी ब्रीड्स है तो उनको पूल चाहिए तो वो उस फार्म पे है तो नेक्स्ट में हम उसको भी शूट करेंगे वहाँ वाले डॉग्स भी दिखाएंगे और यहाँ वाले तो देख लो भाई नेक्स्ट वाला जो पार्ट होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है इस वीडियो को देख लिया भाई नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड आगे भी एक वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है बाकी जो भैया का इंस्टाग्राम का जो लिंक है और भैया का कॉन्टैक्ट नंबर सब चीज मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बाकी भैया अगर किसी को जैसे डॉग परचेज करना है तो व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करें या डायरेक्ट व्हाट्सएप कर दे इंस्टाग्राम डीएम कर दे ठीक है कॉल भी कर सकते हैं कॉल भी कर सकते हैं बट ऐसा नहीं कि कॉल करके परेशान कर रहे हैं बार बार और भैया जैसे डॉग्स की पिक्चर्स वो आप उस व्हाट्सएप पे शेयर हाँ मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ ठीक है कोशिश मैं करता हूँ कि आप मेरे घर आओ मेरे घर आकर लाइव देखो हाँ जी बट कोई दूर है जैसे कि कोई दूसरे स्टेट में है तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है मैं डिटेल शेयर कर सकता हूँ फिर वो मुझे बुक करते हैं तो मैं होम डिलीवरी करा देता हूँ अच्छा होम डिलीवरी भी हो जाती है भाई पूरे पैन इंडिया ऑल इंडिया आप देख लो भाई ऑल इंडिया में डिलीवरी भी हो जाती है सबसे बेस्ट चीज ये है आप वीडियो कहीं से भी देख रहे हो जस्ट कॉन्टैक्ट और इजीली आपके पास कुत्ता आ जाएगा सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो इफ यू डू प्लीज लाइक माय वीडियो शेयर माय वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बाय बाय